जहाँ रजिस्ट्रेशन की टीम बैठी हुई है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात for in-service teachers at all levels to be held on 9th and 10th July in DAV Public School, PACB, Colony. It is rightly said that the goal of education is understanding and the goal of training is performance. The most valuable resource that all the teachers have is each other, and without collaboration and educational leaders. In this era of digital learning, as students continue to change and evolve in the areas of technology and access to information, professional development is the need of the hour for every teacher, as it enhances teaching learning strategies. Professional development training transforms teachers into better educators by enabling them to make changes in their teaching process through new pedagogy suitable for overall development of a child. In the month of May 2015, Central Board of Secondary Education introduced capacity-based education for the development of excellence, introduced capacity-building training programs for in-service teachers, and started training teachers of every subject in every level as master trainers who learned, and they have started now imparting the skills which they have learned among their colleagues.
education is the movement to present bouquet of flowers. May I once again request you to stand in your place to pay tribute to our pathfinders. All of you stand in your place for DAV Khan to pay tribute to our pathfinders. इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि भारतीय सभ्यता कभी खत्म नहीं हुई। दुनिया में कई सभ्यता आए और चले गए, भारतीय सभ्यता चल रहा है आज तक। क्यों? क्योंकि हमारा जो गाइडिंग फोर्स था
वो वेद था। आज भी वेद के हर एक शब्द प्रासंगिक है। एवरी वर्ड रिटन इन द वेदास इज इक्वली रिलेवेंट टुडे आफ्टर इवन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। दैट वाज द प्रीचिंग एंड दैट्स व्हाई डीवी वाज फॉर्मड। और वो जो सोच शुरू हुई थी एक छोटे से स्कूल में लाहौर से, आज एक इतने बड़े वृक्ष हो गया है कि पूरे देश में हमारे सबसे ज्यादा स्कूल्स चलते हैं। और हम डीएवी स्कूल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी छोड़ के समाज सेवा में भी है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो है दैट इज द एजुकेशन डोमेन, बिकॉज वी वांट द चिल्ड्रन ऑफ आर कंट्री टू बिकम आर्य। यहाँ आर्य का मतलब अच्छे लोग से है, तभी हमारा विषय है कृणवंत विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्यों से यानी अच्छे लोगों से भर देना ही हमारा मिशन है। और इसी के चलते दिन प्रतिदिन अभिभावकों का विश्वास हमारे प्रति बढ़ता जा रहा है, तभी आज के डेट में इन एंड अराउंड पटना सर वी आर प्राउड टू से वी हैव 40 स्कूल्स। इस साल भी हम लोगों ने 100 में स्कूल शुरू किया है, क्योंकि पेरेंट्स को पता है ये बच्चों में मॉडर्न एजुकेशन ही नहीं भारतीय संस्कार ही देते हैं और कायदे कानून से चलता है। डीएवी इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर आवर यूएसपीज विच मेक्स अस वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग, सीबीएसई मैंडेट्स वी नीड टू हैव ट्रेनिंग ऑफ 50 आवर्स एवरी ईयर ईच वन ऑफ अस द टीचर्स। उसको 25 घंटे इन हाउस ट्रेनिंग हमें करना पड़ता है और बाकी 25 घंटे सीबीएसई के बनाए हुए मॉड्यूल से हमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो जो 25 घंटे हमें देना है उस 25 घंटे में 5-5-10 घंटे हम लोग समर का 2 दिन ट्रेनिंग रखते हैं। ये हर साल होता है, आप सभी को पता है। जो नए डीएम में ज्वाइन किए हैं उनके लिए बता दूं, इस देश में केवल 2 ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ट्रेनिंग मॉड्यूल सीबीएसई रिकॉग्नाइज करती है, उनमें से एक हमारा डीएवी है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। दूसरा है आर्मी स्कूल्स के एफडीआरसी फैकल्टी डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर। डीएवी का ट्रेनिंग मॉड्यूल सीबीएसई जितना रिकमेंड करता है उससे भी एक कदम आगे है और हम उससे भी आगे बढ़ गए। हम ऐसा नहीं है कि 25 घंटा ही करेंगे, 25 घंटा हम वो मैंडेट फुलफिल के लिए करेंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि बिहार जोन बी में वो 25 घंटे 50 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि एक मुहिम हम लोगों ने सेल्फ ग्रूमिंग का भी छेड़ कर रखा हुआ है। सर आपको जानकारी के लिए बताएं, एक कंसेप्ट हम लोगों ने शुरू किया है कि शिक्षित लोग करेंगे कि ट्रेनर आके उनको ट्रेन करेगा, जो ऑलरेडी उनको पता है कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है, उसके तहत हम लोगों ने सेल्फ ग्रूमिंग का एक कंसेप्ट शुरू किया है, जिसमें ये कहा जाता है कि अपने आप को ही हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। तो हमारे टीचर्स पहले ही आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी तकलीफ है और तब वो अपने आप को मिशन देते हैं और अपने आप को ट्रेन करते हैं, जहाँ हम प्रिंसिपल्स और रीजनल ऑफिसर्स उनका मेंटर बन के उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला बढ़ाते रहते हैं, उनको मेंटरशिप देते रहते हैं। ये एक नई मुहिम है जो पिछले 10 साल में उन्नत देशों में यूरोप और अमेरिका में शुरू हो गया है। उसके तहत डीएवी इस देश में सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेल्फ ग्रूमिंग की कंसेप्ट उन्होंने अप्रूव किया आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। मुझे आशा है या यूं कहूं मुझे विश्वास है जो 5 घंटे हम लोग आज ट्रेनिंग करेंगे उसका एक एक क्षण हमें एनरिच करता रहेगा। ईच एंड एवरी मोमेंट वी यूज फॉर ट्रेनिंग आवरसेल्फ्स हियर टुडे एंड टुमारो
आई एम श्योर दैट विल एनरिच अस विच विल मेक अस मोर कैपेबल एंड दैट्स व्हाई द नेम इज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम द ट्रेनिंग प्रोग्राम विल मेक अस मोर कैपेबल टुवर्ड्स टीचिंग ऑफ आवर चिल्ड्रन वी ऑलवेज से आवर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर नॉट पाकिस्तानीज और चाइनीज यस That's the reason why we should train ourselves in a proper manner so that we can generate good citizens for the country or rather global citizens. All the master trainers are well prepared, I'm sure. I have gone through most of your PowerPoint presentations. I am very much confident that in DAV or that in Bihar, You will be the best master trainers and the teachers of Bihar Zone B will be the best learners, which the following names will tell us. Thank you very much. Wish you a very good, happy learning for 2 days. Once again, I express my gratitude to Honorable DEO, sir. Thank you for coming, sir. Thank you to all of you. आपको सुनकर मुझे याद आया इकबाल कभी इकबाल की पंक्तियाँ मिट गए मिस्र और यूना मिट गए मिस्र और यूना कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी और जैसा कि आपने आज कहा कि क्रिमंटो विषय आयम एक अच्छे शिक्षक बच्चों को देश का भावी नागरिक बनाना ही डीएवी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य है और आज के इस दो दिवसीय कार्यशाला में निश्चित ही कुछ न कुछ सभी सीख कर ही लौटेंगे और उसे अपनी कक्षाओं में इंप्लीमेंट करेंगे नाउ आई पटना टू कम एंड मोटिवेट आवर टीचर्स थैंक यू मैडम और हमारे सम्मुख उपस्थित सभी शिक्षक हैं आज डीएवी के प्रांगण में आकर यह बहुत खुशी हो रही है डीएवी के बारे में पढ़ने का अवसर तो छात्र जीवन में ही लगा और हम सभी छात्र के रूप में डीएवी के बारे में पढ़ते रहे हैं जैसा प्रिंसिपल सर ने कहा कि डीएवी सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है एक सोसाइटी नहीं है बल्कि एक कंसेप्ट है हम कहते हैं कि सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है ये मूवमेंट और ये मूवमेंट जैसा सर कह रहे थे जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो इसे ठीक से अगर याद है तो 1866 में ये डीएवी का गठन हुआ था और वो देखिए वो क्या कालखंड था 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद जब इस इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के हम लोग इंफैक्ट जो सर्किट होते हैं उसका जो पहला मेजर मूवमेंट वो डीएवी मूवमेंट ही था जो कल्चरल इंडिपेंडेंसी के लिए स्टार्ट हुआ था बाद के दिनों में जैसा बताया कि लाहौर में संभवतः 1886 में स्कूल इस्टेब्लिश हुआ और आज जो ऐसा ही देख रहे थे कहीं तो पता चला कि 700 से अधिक इंस्टीट्यूशन हैं पूरे इंडिया में और शायद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो चेन ऑफ स्कूल्स है ये हाइएस्ट डीएवी सोसाइटी है तो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से आप लोग जुड़े हुए हैं तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड इतना सुंदर इसका डिस्ट्रिक्ट इतना समृद्ध डिस्ट्रिक्ट और आज हम लोग जैसे बैक टू रेडार यहाँ आपके स्कूल्स में बच्चे सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं एक पेरेंट्स अगर भेजते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि अच्छा सिटीजन बने अच्छा सिटीजन बनने के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो बैक टू वेदास का शायद ताकि कल्चर जो अपना है उससे हम लोग जुड़ते रहें हम लोग जितना भी ऊपर उड़े लेकिन जमीन से जुड़ाव करना चाहिए और कल्चर के बारे में कहते हैं कि इट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ तो बिना कल्चर का कोई लाइफ नहीं होता है और कल्चरली इनरिच करने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें सब जगह इसका स्पेस अब कम हो रहा है डीएवी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कल्चरल एजुकेशन के लिए स्पेस बचा के रखता है इसके लिए भी आप लोगों को
अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। अब कैपेसिटी बिल्डिंग पे आते हैं, जब हमको इन्विटेशन मिला तो नॉर्मली लोगों का शेड्यूल रहता है, कुछ ठीक से पता नहीं रहता है कि कल कहाँ जाएंगे, तो जो देने का दिक्कत हो रहा था, लेकिन हमको इच्छा थी कि हम पार्टिसिपेट करें, तो टीचर से बात करना और स्पेशली जब ये भी के से जुड़े टीचर से बात करने का एक अलग अनुभव होगा ऐसा मुझे लगा था। और डीएमपी में जो ये कंसेप्ट बिल्डिंग जो कैपेसिटी बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में जैसे डॉक्टर द्वारा बताया गया कि 50 आवर्स का हर ईयर का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जिसमें 25 आवर्स इन हाउस ट्रेनिंग। मैं इससे थोड़ी बहुत चर्चा करके समझना चाह रहा था। देखिए अभी जो गाइडिंग प्रिंसिपल है एज ए टीचर एज ए इंस्टीट्यूशन, मेरे विचार से दो प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमको सामने रख के सभी मॉडल्स बनाने हैं और हम लोग को काम करने हैं। पहला जो एक्ट है 2009, उसमें क्या एजुकेशन क्या फिलोसफी है, क्या रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, उसकी सभी को कुछ इंडिसाइज किया हुआ है, उसको हम लोग को देख के आगे बढ़ते रहना है। और दूसरा जो लेटेस्ट है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब हमको के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, उसमें अगर आप डिक्शनरी अप्रोच को बहुत बढ़ावा दे रहा है और आने वाले दिनों में शायद ऐसा होगा कि एक लड़का फिर इसके साथ गति भी बढ़ेगा, तो उस ओर हम लोगों को आगे बढ़ना है और उस तरह से अपने की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। जब छात्र जीवन में हम लोग को भी लगता था कि ये जो बैरियर है वो नहीं रहता तो अच्छा, और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सभी तरह के बैरियर्स को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगा, और उस पर्सपेक्टिव में आप देखिएगा तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए टीचर्स का एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का वो बहुत आवश्यक है। अभी कोविड जरा हम लोग देखते हैं 2020, संयोग है कि 2020 में कोविड भी आया है। आप अपने नीट असेसमेंट करके और जो डिफरेंट बोर्ड मॉड्यूल्स होंगे उसको देखते हैं अपना कैपेसिटी, जिसको कहते हैं कंटिन्यूस एंड कंटिन्यू, लगातार अपने कैपेसिटी को आगे इंक्रीज करना है, ताकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जो बच्चा हमारे स्कूल में आया है उस पर रहना चाहिए, और उस चाइल्ड के लिए हम इतना बेहतर कर सकें। और हमको लगता है कि आज ये जो दो दिन का आपका ट्रेनिंग होगा और अभी का और दो दिन के बाद का जो वक्त होगा उसमें क्वालिटेटिव अंतर आप महसूस करेंगे, यही मेरी शुभकामना है। और मैं भी मुझे ये भी फैमिली के द्वारा यहाँ बुलाया गया, मुझे अवसर दिया गया, इसके लिए मैं पूरे डीएमपी फैमिली को धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से डॉक्टर अनिल दास को, इसके कारण आपका स्कूल कितना महत्वपूर्ण है ये डॉक्टर अनिल दास और मैंने लगातार बात होते रहती है, बहुत पैसा रहता है कि आपके स्कूल में उनके बच्चे का एडमिशन कराते हैं, तो ये बताता है पब्लिक में आपका कितना ये गुडविल है, इस गुडविल को आप और बढ़ाइए। और हम प्रेजेंट दे लेकर और चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग मेरे पास के रिक्वेस्ट लेके आवे कि मेरे बच्चे का डीएमपी में एडमिशन करा, यही आपको कर रही है। और सभी पार्टिसिपेंट्स को पुनः एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि ये दो दिन आपके जीवन का बेहतरीन दिन हो, आप अधिक से अधिक यहाँ से लेके जाएँ और अपने बच्चों को अपने क्लासरूम में इसका उपयोग करें। और एक बार फिर जो हमारे अनाउंसर हैं जिन्होंने मुझे केवल अच्छी अच्छी बातें की उनको भी अलग से धन्यवाद, और जितने चेयर्स पर सामने बैठे हैं सबको और बहुत धन्यवाद। Before going to the slides, before starting the session, I just want to know each other. You people need to know each other. That's why there will be an introduction activity. And as the name of this session is innovative teaching methods, so introduction will also be in innovative way.
अरे तुम ही लोग सबसे पहले आए। हाँ वो ना या यही सब जाएं उस सेशन के बाद सबको सबको हेलो हेलो बोलिए हेलो बोलिए ये बोलिए देवी कंकड़ा खेल देवी कंकड़ा।